लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो सफल हो गए तो नीना की आत्मा हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या होगा? नीना की मौत। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम है कि श्राद्ध पक्ष में कुछ लोग अपने पुरखों की आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। हाँ, पाते हैं तो? तुमने कभी महसूस किया कि उस महीने में तुम्हें ज्यादा नींद आती है या तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाता है? हाँ, पिछले साल एग्जाम्स के दौरान मेरा भी जी चाहता था कि मैं हर वक्त सोता रहूं। इसका मतलब उस वक्त कोई और मेरी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता क्योंकि उनकी आत्मा उनके शरीर से बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी आत्मा को क्या होता है उनके साथ? हाँ, जब बहुत से लोग उनकी आत्मा को बुलाते हैं और उस बुलावे में शक्ति होती है तो उस आत्मा को मजबूरन वो शरीर छोड़ना पड़ता है और अनजाने में उसकी मौत हो जाती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कुछ ये सब कुछ देखा है, महसूस किया है। हाँ, महसूस किया है। कुछ सालों पहले की बात है, अक्टूबर का महीना था, मैं बीमार था। अचानक ऑफिस से टेलीफोन आया, काम ऐसा था कि मुझे जाना ही पड़ा। मैं अकेला गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। बड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूं मैं। शायद गोलियों से उछारा मिले। शुक्र है ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कार चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है।
क्या हो सर? सर क्या हो? सर क्या हो? एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इन सब से उस कौवे का क्या संबंध? ऐसा माना जाता है कि कौवा ही आत्माओं को यहां से वहां ले जाता है। शायद में भी लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कौवा खाना नहीं खाता। ऐसा माना जाता है कि कौवा उसकी आत्मा है जिसका श्राद्ध हो रहा है। डॉक्टर, अरे तुम उठ गई? ये सब क्या है? घबराओ मत, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तुम्हारे दिल के धड़कन की जांच कर रहा था, साथ में देख रहा था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दिमाग? क्यों? क्यों मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। सी योर रिपोर्ट्स, कैट स्कैन, एमआरआई, सब नॉर्मल। इतने बड़े बड़े टेस्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो दौरे पड़ते हैं शायद उसकी वजह पता चले। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। स्टाफ को हवन से खुशी होगी, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों पर उनका विश्वास है। जी हाँ, लेकिन अगर हमें हमारे हवन में सफलता नहीं मिली तो इसका उन मजदूर पर क्या असर पड़ेगा? तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमारी ये कंपनी श्रापित है और उनका हम पर से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए इस हवन का सफल होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप हौसला बुलंद रखिए, समय हो रहा है, आप हवन में बैठिए, चल के आइए। आप लोग शुरू हो जाइए। लेने आया था, ये तो मरी गई थी। मैंने इसे इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो रोशनी धीरे धीरे इसके शरीर में प्रवेश कर गई। डॉक्टर, आपने इसकी जान बचाई, लेकिन कितनी कमजोर हो गई है, जैसे इसमें कोई शक्ति नहीं है। किसी का चेहरा तो पीला पड़ गया।
डॉक्टर इस बार तो अपना बचा लिया, लेकिन अगली बार शायद आप बचा ना पाए। आपका मतलब है हमें ये हवन रोकना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप अपनी माँ को बुलाते हैं माँ नीना को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको ये हवन रोकना ही पड़ेगा। यू मीन से मेरी मम्मी की आत्मा अब उस लड़की के शरीर में है? यू मीन मम्मी का पुनर्जन्म हुआ है? यकीन नहीं होता। ओहो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी की भीख मांगते हैं। पिछले चार दिनों में चार बार उसको दौरे पड़ चुके हैं, पांचवी बार शायद वो बच ना सके। प्लीज प्लीज ये हवन रोक दीजिए, मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में। प्लीज देखिए देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। आपने तो कहा था कि ये हवन मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन यहां तो किसी की मौत हो रही है। देखिए देखिए, हम ये हवन आधे में नहीं रोक सकते। अगर ये हवन हमने रोक दिया तो बहुत बुरा होगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे आप तो जानते हैं हमें पहले कितना नुकसान हो चुका है, और अब न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए। देखिए कल हवन का पांचवा और आखिरी दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल मम्मी की आत्मा जरूर रहेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी की आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज प्रार्थना का पांचवा और आखिरी दिन है, अगर आज प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो बहुत बुरा शगुन माना जाएगा। आप परेशान मत होइए, आज हम और ज्यादा श्रद्धा के साथ जानकी जी को बुलाएंगे और वो जरूर आएंगे, और कौवा भी हमारा रखा हुआ खाना भी खाएगा। लेकिन लेकिन उस लड़की का क्या होगा? अगर उनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, हवन। देखिए हम इसे बंद नहीं कर सकते, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यजमान हवन का समय हो रहा है, स्थान ग्रहण कीजिए। Woo!
भगवान के लिए हवन रोक दीजिए प्लीज। देखिए हम ये सब नहीं रोक सकते हैं, हवन लगभग खत्म होने आया है। देखिए हम हवन बंद नहीं कर सकते, इसका पूरा होना है, समाप्ति पड़ रही है। हर एक एक सेकंड कीमती है, उसका शरीर बगैर आत्मा के ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जितनी देर बातें कर रहे हैं ना उतनी देर में उसकी जान जा सकती है, वहां वो मर सकती है। ये हवन रोक दीजिए प्लीज, मेरी बहन की जान बचा लीजिए प्लीज, आप ये हवन रोक दीजिए प्लीज। आज मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज बरसों बाद अपनी मां की गोद में सर रखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लौट जाइए, देर हो जाए उससे पहले लौट जाइए, लौट जाइए प्लीज, नीना के पास लौट जाइए प्लीज, लौट जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी, लौट जाइए प्लीज। देखिए हमारा हवन सफल हो गया, जानकी जी की आत्मा हमें आशीर्वाद देके गई है। I'm sorry, शालेश, मैं कुछ नहीं कर सका, नीना मर चुकी है। पृथ्वी और राज आते होंगे, मैं बाकी का इंतजाम करता हूं। ये क्या हो गया दी, ये क्या हो गया? अब तुम क्या लेने आए हो यहां पे? सब कुछ तो खत्म हो गया है, जान ले ली तुमने नीना दीदी की, अब क्या बाकी बचा है बोलो। नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये देखिए नीना दीदी की आत्मा वापस आ रही है। हाँ कुछ नहीं हो सकता, नीना मर चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, एक बेकसूर लड़की के साथ ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, इट्स अ मिरेकल, ये तो चमत्कार है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़े घर में हूं, वहां बहुत सारे लोग थे, हाँ राज भैया भी थे, हाँ और फिर अचानक मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। ये तो वाकई चमत्कार हो गया, मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम कर दिया है, धर्म को अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया।